हेलो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिगिनर्स बॉक्स सिक्स के आगे इलस्ट्रेशन नंबर फोर्टी ऑनवर्ड्स क्वेश्चन तो मेरा क्वेश्चन नंबर फोर्टी क्या है अ ब्लॉक ऑफ मास लेट्स वन के जी ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक का मास दिया हुआ 1 kg, है वन के जी रेस्ट ऑन एन इंक्लाइन एज शोन इस इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थर्टी सेवन डिग्री है वट मस्ट बी द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइन यहाँ पे पूछा है इस ब्लॉक में और इंक्लाइन के बीच कितना फ्रिक्शन लगेगा इफ द ब्लॉक इज नॉट टू स्लाइड अलोंग द इंक्लाइन अगर ये ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड ना करे वेन द इंक्लाइन इज एक्सेलिंग टू द राइट एट थ्री मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये जो इंक्लाइंट है पूरा सिस्टम ये राइट वर्ड्स एक्सेलरेट कर रहा है एट एन एक्सेलरेशन ऑफ थ्री और आगे सेकेंड पार्ट में वॉट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ म्यू एस फॉर विच है ना दिस टू हैपन तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे फोर्सेस जो इस पे लगते एम जी नीचे लगता उसके करिस्पॉन्डिंग एक एम जी का कॉस्ट थीटा लगता है ना सरफेस के परपेंडिकुलर वीडियो बना के दिखाता हूँ और उसके बाद क्या बोल सकते हैं डाउन द इंक्लाइन क्या लगता है अपना एम जी का साइन थीटा लगता सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ क्या लगता नॉर्मल अब हम देख सकते हैं क्योंकि ये सिस्टम राइटवर्ड एक्सीलरेट कर रहा है इसके वजह से ये एम मास भी आगे की तरफ ए से करेगा जिसके वजह से क्या कहा जा सकता है इस पर जो सूडो फोर्स लगेगा एम ए लगेगा टूवर्ड्स लेफ्ट नॉन फ्रेम हो गया अब यहाँ पे क्या ड्रॉ करते हैं यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये और ये लाइन एक दूसरे के पैरल है तो ये अगर एंगल थीटा 37 सेवन डिग्री इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लेशन तो ये एंगल भी थीटा होगा अब इसको रिजॉल्व कर दो ना? क्योंकि जितने भी फोर्सेस हम रिजोल्व कर रहे हैं एक अलोंग द इनक्लाइन और एक टू तो यहां पे मैं देख सकता हूँ कि ऊपर की तरफ एमए का कंपोनेंट जिसके साथ एंगल बनाएगा और एंड डाउनवर्ड्स एमए का यहाँ पे एंगल इसके साथ नहीं बना रहा से तो ये एमए का साइन थीटा निकल के आया अब हमें चेक करना है कि फ्रिक्शन कहाँ लगेगा सबसे पहले उसके लिए हमें पता करना है कि यहाँ पे कौन सा जो फोर्स है वो बड़ा है ना ऊपर की तरफ फोर्स एम ए थीटा बड़ा है या नीचे की तरफ एम जी का साइन थीटा फोर्स का मैग्नीट्यूड बड़ा है जिसका फोर्स का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा वो डिसाइड करेगा फ्रिक्शन कहाँ लगेगा सो डैट बॉक्स डज नॉट स्लाइड ना तो पहले एम ए थीटा एम ए साइन थीटा चेक करते हैं ये सब कितने आएंगे चलिए तो इनका मैग्नीट्यूड चेक किया जाए एम ए कॉस्ट थीटा मास कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ है वन के जी तो मास है वन के जी एक ही वैल्यू क्वेश्चन में दी है ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है हमें यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लेशन थर्टी सेवन डिग्री दिया हुआ है पुट करते हैं इसे तो यहाँ पे वन इंटू थ्री और कॉस्ट थर्टी सेवन कितना जानते हैं फोर बाई फाइव या ट्वेल्व बाई फाइव 12 बाई फाइव हमारा कितना हो गया 2.4 न्यूटन तो हम बोल सकते हैं इसका जो फोर्स आया ये आया ऊपर की तरफ 2.4 न्यूटन उसी तरह से डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जो एम जी साइन थीटा लग रहा है क्योंकि फ्रिक्शन कहाँ लगेगा वो डिसाइड करेगा कौन सा फोर्स का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा वहाँ से वन के जी जी की वैल्यू है टेन एंड थीटा जो है दैट इज योर थर्टी सेवन डिग्री अब ये तो हो गया टेन साइन थर्टी सेवन हम जानते हैं लेट्स थ्री बाई फाइव तो थर्टी बाई फाइव नीचे की तरफ कितना फोर्स हो गया नीचे की तरफ फोर्स निकल के आए मेरे पास सिक्स न्यूटन अब अगर मैं बोलूँ इस बॉक्स को छोड़ दिया जाए तो नीचे फोर्स सिक्स न्यूटन ऊपर फोर्स टू पॉइंट फोर न्यूटन मतलब फ्रिक्शन नहीं होता तो ये सिक्स न्यूटन का जो फोर्स है एम जी साइन थीटा वो उसको नीचे स्लाइड कराता तो इसको प्रिवेंट करने के लिए स्लाइड होने से बचाने के लिए ये सरफेस इस पे फ्रिक्शन कहाँ लगाएगा ऊपर और वो कितना लगाएगा वही हमें पता करना है तो क्या करते हैं हम फोर्स बैलेंस करते हैं परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन एंड लॉन्ग द इंक्लाइन तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन हम फोर्स की इक्वेशन क्या लिख सकते हैं नॉर्मल को लिख दिया जाए अपना एम जी का कॉस्थिटा प्लस यहाँ पे क्या बड़ा हुआ है एम ए का साइन थीटा एंड अलोंग द इनक्लाइन अगर बात करने जाऊँ तो अलोंग द इनक्लाइन क्या लिख सकता हूँ मैं अलोंग द इनक्लाइन के लिए मैं लिख सकता हूँ एफ प्लस एम ए थीटा जिसके एम ए थीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया ऊपर 2.4 डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा डेट इज सिक्स तो यहाँ से फ्रिक्शन कितना लगेगा वो तो आ गया सिक्स माइनस टू पॉइंट फोर निकल के थ्री पॉइंट सिक्स न्यूटन ये तो निकल के आया मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर ना कि फ्रिक्शन कितना लगेगा वॉट मस्ट बी द फ्रिक्शनल फोर्स थ्री पॉइंट सिक्स न्यूटन और कहाँ लगेगा अपवर्ड्स डायरेक्शन में ये तो हमने इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर निकाल डाला अब बात करते हैं इसके सेकेंड पार्ट वो म्यू एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए लीस्ट वैल्यू ऑफ म्यू एस तो इस एफ को बराबर कर दो म्यू एन के ना म्यू एन इज इक्वल टू क्या लिख दिया जाए थ्री पॉइंट सिक्स यहाँ से मेरे पास म्यू आ जाएगा इज इक्वल टू थ्री पॉइंट सिक्स डिवाइडेड बाई नॉर्मल अब वो एन कहाँ से आएगा यहाँ पे सिम्प्लीफिकेशन से निकल के आ जाएगा एन को एम कितना है वन जी की वैल्यू कितनी है टेन कॉस ऑफ थीटा थीटा कितना है थर्टी सेवन कॉस्ट थर्टी सेवन क्या होता है अपना फोर बाई फाइव प्लस सिमिलर वे में एम है वन एक्सेलरेशन अगर मैं बोलूँ सिस्टम का एक्सेलरेशन दिया हुआ है थ्री राइट टूवर्ड्स एक्सेलरेशन और साइन 37 हम जानते हैं 3 बाई फाइव चले सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो नॉर्मल इज फोर्टी बाई फाइव इज एट और यहाँ पे हम बोल सकते हैं दिस इज आपका 9 बाई फाइव एलसीयम लेता हूँ तो यह आया निकल के n इज इक्वल टू एट ना लेट से फाइव एट ज फोर्टी प्लस नाइन इज फोर्टी नाइन डिवाइडेड बाई क्या लिख दिया जाए फाइव ये मेरा नॉर्मल निकल के आ गया अब ये नॉर्मल की वैल्यू यहाँ रख दो तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 3.6 डिवाइडेड बाय 49 बाय 5 9. समथिंग आएगा देखा जाए तो ना 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये लगभग 9.8 आया इसको यहाँ रख दिया जाए 9.8 है ना 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो तो 98 बाय 10 हो गया और 98 बाय 10 हम जानते हैं 9.8 होता है अब इसको सिंप्लीफिकेशन करने पे इसको आप करोगे, तो ये 3.6, .36 है, जब पे हमने g जहां जहां दिख रहा था एम जी साइन थीटा हो गया एम जी थीटा हो गया वहां नाइन पॉइंट एट रखते तो. तो ये है अपना म्यू का वैल्यू अप्रोक्सीमेट इसके आसपास आएगा चलिए इस क्वेश्चन को फिर समझते हैं क्वेश्चन है ब्लॉक ऑफ मास 1 kg ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक का मास 1 kg दिया है रेस्ट्स ऑन एन इंक्लाइन एशोन इस इंक्लाइन पे रखा हुआ है व्हाट मस्ट बी द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइन पूछा है यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा ब्लॉक और इंक्लाइन के बीच में ये फ्रिक्शन फोर्स मैं चेक करना चाहता था ना ये कितना होगा अलोंग द इंक्लाइन व्हेन द इंक्लाइन इज एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स राइट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ थ्री मीटर पर स्क्वायर तो क्या करते हैं अब एम जी साइंथीटा हमने कैलकुलेट किया आया सिक्स एम ए कॉस्थीटा ऊपर की तरफ है ना रिजोल्व करने के बाद एम ए कॉस्थीटा कैलकुलेट किया टू अब यहाँ पे हम देखें कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो सिक्स न्यूटन इसको नीचे खींचता वजह से फ्रिक्शन ऊपर लगना चाहिए तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन दिख गया ऊपर अब बैलेंस कर दो, म्यू मतलब मतलब तो पूछा था तो म्यू एन कर दो फ्रिक्शन की वैल्यू को म्यू निकालना है तो फ्रिक्शन बाय नॉर्मल से आएगा वाई डायरेक्शन बैलेंस एन बराबर प्लस एम जी थीटा इसको सिंप्लीफिकेशन करके नॉर्मल आया 9.8 पुट करके म्यू निकल के आ गया तो ये इलेस्ट्रेशन नंबर 40 सबको समझ आ रहा है चलिए वेरी गुड आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन 41 पे आते हैं लिखा है बॉडी प्लेस्ड ऑन अ रफ इनक्लाइंस प्लेन जस्ट बिगिंस टू स्लाइड कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ द ग्रेडियंट ग्रेडियंट मतलब स्लोप होता है ऑफ द प्लेन इज 1 इन 4 One in four का मतलब tan थीटा की वैल्यू हमें question में कितनी given है one by four. ये है है ये ये वो उस inclined plane, सपोज ये कोई inclined plane होता इस inclined plane का हमें क्या दिया हुआ है? Let's say slope, ना tan थीटा की सीधी वैल्यू मुझे दे रखी है इज वन बाई फोर करके ना ये वन इन फोर ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है अब यहाँ पे बोला है एक ब्लॉक को इस इनक्लाइंस सरफेस पे रखा हुआ है ये सपोज अपना ब्लॉक है ना इस ब्लॉक को इस इनक्लाइन सरफेस पे रखा हुआ है जहाँ ये एंगल थीटा के बारे में टैन थीटा वन बाई फोर दिया हुआ है इस बॉडी का मास मान लो एम करके अब पूछा गया है यहाँ पे कि ना कोफिशंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है आपको डैट इज म्यू कितना होगा ये हमें चेक करना है तो हमने एक टर्म पढ़ा था याद होगा क्लास में एंगल ऑफ रिपोज करके एंगल ऑफ रिपोज क्या था वो मैक्सिमम एंगल जब तक बॉडी क्या हो स्लाइड ना करे डाउन द इंक्लाइन या वो मिनिमम एंगल जिसपे स्लाइड करने लग जाए ना? तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि इस एंगल तक स्लाइड नहीं की पर इसे थोड़ा सा बढ़ा दूंगा तो स्लाइड करने लग जाएगा तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि स्लाइड करने लग गया मतलब हम कह सकते हैं ये लिमिटिंग केस बन के आ गया तो अब हम बोल सकते हैं इस पे अगर फोर्स दिखाऊं ड्रॉ करके तो कौन-कौन फोर्स लगेगा डाउनवर्ड्स mg sin थीटा सरफेस के परपेंडिकुलर क्या आया mg cos थीटा कर दिया जाए ऊपर की तरफ क्या बन के आया नॉर्मल अब बोला है स्लाइड्स स्लाइड मतलब नीचे फिसलेगा तो फ्रिक्शन नहीं होता बॉडी नीचे फिसलता प्रिवेंट करने के लिए फ्रिक्शन कहाँ लगना चाहिए ऊपर अब हमसे क्या पूछा है म्यू पूछा है तो फोर्स बैलेंस कीजिए इस तक स्लाइड नहीं किया तो हम बोल सकते हैं कि वाई डायरेक्शन में नॉर्मल बन गया हमारा एम जी थीटा और अलोंग द इनक्लाइन अगर आप इक्वेशन लिखते हो तो अलोंग द इनक्लाइन मेरा इक्वेशन बन के आया एफ बराबर एम जी का साइन थीटा फ्रिक्शन क्या होता है म्यू एन इज इक्वल टू एम जी का साइन थीटा लिख दो यहाँ पे नॉर्मल अगर मैं दिखाऊं तो नॉर्मल इज माई एम जी थीटा विच इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा लिखा जा रहा है अब यहाँ पे क्या देख सकते हैं एम जी एम जी कैंसिल कर गया तो यहाँ पे अगर मैं इस थीटा को इस साइन थीटा के नीचे ले जाऊं दिस कम्स आउट टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा इज इक्वल टू लेफ्ट साइड में म्यू बचता है तो टैन थीटा इक्वल टू म्यू तो यहाँ पे इसी को हम नाम देते हैं एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ रिपोज के लिए फॉर्मूला क्या है tan थीटा बराबर mu. जो ऑफ फ्रिक्शन के लिए भी सेम ही होता था तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वो जो म्यू आया वो tan theta. और tan theta question में given है कि जो स्लोप है इस का, मतलब तो म्यू की वैल्यू वन बाय फोर आई तो वो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू कितना होना चाहिए अपना जीरो पॉइंट टू फाइव करके योर आंसर चलिए इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं

थीटा दिया था वन बाई फोर तो म्यू की आ, आ गई निकल के, जीरो टू समझ आ गया चलिए यहाँ तक सब लोग स्क्रीन शॉट ले लो चलिए बॉडी है ब्लॉक रहा एक रफ इनक्लाइन प्लेन है इस पर रेस्ट कर रहा है एंगल ऑफ इनशन थीटा हॉराइजेंटल फोर्स एफ इज अप्लाइड टू इट इस पे एक हॉराइजेंटल डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है एफ

तो सबसे पहले डाउनवर्ड्स क्या लगेगा आपका ग्रेविटी लगेगा तो नीचे के डायरेक्शन में एम लगेगा जिसको हम रिजोल्व कर सकते हैं इन दो डायरेक्शन के अलोंग एक परपेंडिकुलर टू इनक्लाइन तो जाता एम जी थीटा एंड अलोंग द इनक्लाइन आपका एम जी का कंपोनेंट निकल के आता है एम जी साइन थीटा उसके बाद क्या कह सकते हैं ये जो फोर्स लग रहा है ये इस डायरेक्शन में लग रहा है प्राइज अगर ये एंगल थीटा है एंगल तो भी कितना होगा थीटा करिस्पोडिंग एंगल अब इस फोर्स के कंपोनेंट की बात की जाए तो ऊपर के डायरेक्शन में हमारा क्या बन गया एफ थीटा एंड यहाँ पे अलोंग द इनक्लाइन एफ थीटा एंड परपेंडिकुलर टू इनक्लाइन निकल गया है एफ साइन थीटा और यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या लिख सकते हैं सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ आपका नॉर्मल आ गया है. ये सारे फोर्सेस आपने इस बॉडी पे ड्रॉ कर डाले अब पहला पार्ट पूछा है फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन बताइए नॉर्मल कितना होगा तो फर्स्ट पार्ट बोलू ना रेस्ट कर रहा है ऑन मतलब फोर्स बैलेंस कर दो तो नॉर्मल जो आया वाई डायरेक्शन बैलेंस करके सीधा लिखा जा सकता है नॉर्मल बराबर एफ साइन थीटा प्लस क्या बोल दिया जाए जी का क्या हो गया अपना एम जी थीटा निकल के आ गया ये फर्स्ट पार्ट का आंसर सीधा सीधा सेकेंड पार्ट पूछा है क्या फ्रिक्शन जीरो हो सकता है फ्रिक्शन जीरो हो सकता है होगा तो कब तो हम बोल सकते हैं यस फ्रिक्शन कैन बी जीरो कब जब एफ कॉस थीटा किसको बैलेंस कर जाए उसके लिए कंडीशन है मेरा एफ कॉस थीटा लेट्स से बैलेंस कर जाए डाउनवर्ड्स जो एमजी जी साइन थीटा ना फोर्स है उसको बैलेंस करते हुए तो एफ हम बोल सकते हैं एम जी थीटा बाई थीटा दैट इज एम जी टैन थीटा तो जब आप इस पे एम जी टैन थीटा फोर्स लगाओगे तो उस केस में क्या कहा जा सकता है यहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो नहीं लगेगा ये बी पार्ट हो गया अब आ जाए इसके सी पार्ट पे अज्यूमिंग डेट फ्रिक्शन इज नॉट जीरो फ्रिक्शन अगर जीरो नहीं है तो उस केस में फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इट्स लिमिटिंग वैल्यू मतलब आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन ना कितना लगेगा और कहाँ लगेगा ये हम बात करते हैं तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो मेरा कितना होता है म्यू एन करके होता है ना और n हम निकाल चुके हैं आपका mg जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी ना लिमिटिंग फ्रिक्शन तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू एन करके तो ये म्यू एन क्या हो जाएगा n की वैल्यू हमारे पास ऊपर फर्स्ट पार्ट पे निकाली हुई है f साइन थीटा प्लस एम जी कॉस अब ये मैग्नीट्यूड हो गया ना मैग्नीट्यूड ऑफ द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन आया म्यू इन टू एन म्यू यहाँ प्लेन का अब यहाँ पे हम बोलते हैं कि इसका डायरेक्शन कहा होगा तो वो डायरेक्शन की बात की जाए इस लिमिटिंग फ्रिक्शन की तो वो डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड करेगा कि ये बॉडी कहां की तरफ मूव कर रही है अगर ये बॉडी का वेलोसिटी ऊपर की तरफ है उस केस में ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा वो डाउनवर्ड्स लगेगा सिंपल सा चीज़ है और अगर सिमिलर वे में अगर हम कहें ये जो आपका सरफेस है उस सरफेस के अलोंग ना ये जो मास एम है ये मास अगर मेरा नीचे की तरफ अगर मोशन करता है तो उस केस में फ्रिक्शन जो लिमिटिंग वैल्यू लगेगा मैक्सिमम से मैक्सिमम जो प्रिवेंट करने के लिए लग सकता है वो ऊपर की तरफ लगेगा डिपेंड करेगा इसके डायरेक्शन ऑफ मोशन पे ना ऐसा कोई फिक्स नहीं है तो इसीलिए यहां पे हम नहीं कह सकते कि लिमिटिंग फ्रिक्शन ऊपर ही लगेगा या नीचे ही लगेगा वो है ना डिपेंड करेगा आपका रिलेटिव मोशन क्या हो रहा है सरफेस के रिस्पेक्ट में ऊपर मोशन हो रहा है तो रिलेटिव है ना मोशन ऊपर होने की वजह से लिमिटिंग फ्रिक्शन नीचे और अगर नीचे हो रहा है स्लाइड नीचे कर रहा है बॉडी तो उस केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन ऊपर चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं

फ्रिक्शन नहीं लगेगा दैट इज एफ कॉस्टा एम जी साइन थीटा दैट इज एफ आई एम जी टाइम थीटा और नेक्स्ट है अज्यूमिंग फ्रिक्शन अगर जीरो नहीं है तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताइए तो उसके इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन हम कह दिए म्यू एन ना यही होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना और किसी पे डिपेंड नहीं करता है मैक्सिमम वैल्यू तो म्यू दिया है नॉर्मल फर्स्ट पार्ट से एफ साइन थीटा प्लस एम जी थीटा और डायरेक्शन कहाँ होगा तो उसके लिए हम बोले रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में

फ्रिक्शन कोफिशियंट है वो पॉइंट सिक्स दिया हुआ है ट्रक का एक्सिलेशन तो उस केस में हमसे पूछा गया है लेट से कितना होगा चलिए इसको देखते हैं तो ये लेट से आपका क्या है ट्रक है अब इस ट्रक के बारे में क्या है ये ट्रक है ना कुछ ये रहा ना ये रहा आपका ट्रक करके ना यहाँ ड्राइवर बैठा हुआ है तो ये रहा ट्रक अब इस ट्रक पे क्या रखा हुआ है एक बॉडी रखी हुई है ना ये रही मेरी बॉडी इस बॉडी का मास कितना दिया हुआ है एम अब बोला है फ्रिक्शन कोफिशेंट जो है दैट इज जीरो पॉइंट सिक्स स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है जीरो पॉइंट सिक्स और इस बॉडी का मास जो है इस वन के जी मास ऑफ द तो बॉडी कितना लेना है वन के जी करके ये क्वेश्चन में मेंशनड है अब आगे बोला है वॉट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा इफ एक्सेलेशन ऑफ ट्रक इज वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो ट्रक है वो राइट वर्ड्स हम मान लेते हैं कितने से एक्सेलरेट कर रहा है फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ना कुछ नहीं बोला कहाट कर रहा है तो मान लो आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है फाइव से अब इस पे इस ब्लॉक पे क्या बनाते हैं सारे फोर्सेज ड्रॉ करते हैं चलिए ये मास सेम रहा तो इस ट्रक पे जो ये मास है मास एम रखा हुआ है इस पे जो भी फोर्स होंगे वो ड्रॉ करें सबसे पहले ग्रेविटी एमजी नीचे और ट्रक के द्वारा इस पे सरफेस के पोपेंडिकुलर ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल उसके बाद बोले कि अगर एक्सेलरेट ये मास एम पी ए से एक्सेलरेट आगे करेगा जिसके वजह से इस एम मास पे सुडो फोर्स कहाँ लगा दिया जाए पीछे उसके बाद अगर हम बात करें स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करूं तो सरफेस के रेस्पेक्ट में फ्रिक्शन नहीं होता बॉडी पीछे स्लाइड करता, कितना होगा ये हमसे पूछा है व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट किया जाए तो वो फोर्स अब लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होगा या कम होगा वो डिसाइड करेगा आपका है ना लेट्स एम ए और एन और एम से चलिए तो क्या करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे नॉर्मल कैलकुलेट कर लेते हैं तो नॉर्मल तो एम मास कितना है वन के जी जी की वैल्यू टेन तो नॉर्मल कितना आया मेरे पास टेन न्यूटन निकल के आ गया तो यहाँ पे हम देखें तो नॉर्मल जो है वो आया निकल के इज इक्वल टू टेन न्यूटन अब निकाल लो लिमिटिंग फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन हम क्या बोल सकते हैं म्यू इंटू एन म्यू कितना दिया हुआ है म्यू है जीरो पॉइंट सिक्स नॉर्मल ऊपर कैलकुलेट किए टेन तो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकल के आया मेरे पास सिक्स न्यूटन अब ये फ्रिक्शन पूरा का पूरा लगेगा नहीं लगेगा वो हम चेक करना चाहते हैं उसके लिए ये एम ए की बात करते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन मास कितना है बॉडी का वन एक्सेलरेशन कितना है क्वेश्चन में गिवन फाइव तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं ये जो सूडो फोर्स आया फाइव सर्फेस के द्वारा मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता था सिक्स कितना नेसेसरी है इसको रोकने के लिए फाइव चाहिए तो हम बोल सकते हैं यहां पे कितना फ्रिक्शन लगे ताकि ये इसको रोक दे तो फ्रिक्शन कितना निकल के आ गया न्यूटन न्यूटन फ्रिक्शन सफिशियंट इस बॉडी को प्रिवेंट करने के लिए ना रिलेटिव मोशन होने से तो यहाँ पे पूछा था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए तो अपना आंसर कितना आ गया अपना आंसर आया फाइव न्यूटन और डायरेक्शन किसके अलाउंग जिस डायरेक्शन में एक्सिलरेशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में फाइव न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स इस तो ये रहा मेरा इस पार्ट का सॉल्यूशन। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। ब्लॉक ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सर्फेस पॉइंट सिक्स दिया हुआ है ब्लॉक फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा इफ एक्सिलेशन ऑफ ट्रक दिया है, 5. तो, इस ब्लॉक का अगर एफ बी डी दिखाऊँ नीचे एम जी ऊपर नॉर्मल एक्सेलरेट आगे करता सूडो एम ए पीछे आगे की तरफ फ्रिक्शन प्रिवेंट करेगा रोकने के लिए एन एम जी एन की वैल्यू वन इंटू टेन टेन आया फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन पहले चेक करोगे म्यू पॉइंट सिक्स है इंटू टेन सिक्स आया अब यहाँ पे पीछे की तरफ सूडो एम ए की वैल्यू निकालें ए दिया है फाइव तो वन इंटू फाइव आया फाइव सिक्स दे सकता था रोकने के लिए पर सिक्स पूरा लगाने की जरूरत ही नहीं है यहां फाइव न्यूटन से ये बॉडी क्या हो जाएगा प्रिवेंट हो जाएगा ना तो फाइव न्यूटन इज योर आंसर तो ये है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आई गेस सबको समझ आ गया यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो